मुझे सबसे पहले हम प्रेस मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे बीच में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और मैं रॉबिन मित्रू का एडिशनल डायरेक्टर एनएआर इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर शिवा कुमार सीआर एनएआर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो आज हमारे बीच सिलीगुड़ी शहर में आए हैं। मैं आप सबको आगे तो उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। हमारे बीच में शिवाजी बैठे हुए हैं, बगल में योगेश मित्तल हमारे एरिया के सचिव सेक्रेटरी और उत्तम सानिया कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम रियल्टर्स मीट 2023 अपग्रेड द रियल्टर जो कल कोर्टयार्ड बाय मैरिट में होने जा रहा है, उसके लिए हमारे चीफ गेस्ट हमारे एनएआर इंडिया प्रेसिडेंट शिवा जी हमारे बीच में हैं। अब हम चाहेंगे कि ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इनका जो है वो शुरू। सबको मेरा नमस्कार। आज हम सिलीगुड़ी में दोबारा आए, पिछले साल हम सिलीगुड़ी आए थे रियल टच करके जो हर साल सिलीगुड़ी में प्रोग्राम है। तो एरिया सिलीगुड़ी जो एनएआर इंडिया से जुड़ा है, ये हर साल रियल एस्टेट की जो भी व्यक्ति जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनकी लाइफ को अप करने के लिए प्रोफेशनलिज्म लेके आने के लिए ये कार्यक्रम हर साल हम करते हैं। तो इस साल हमने एनएआर इंडिया एक संगठन है जो भारत के सबसे बड़ा संगठन है रियल एस्टेट के लिए, और हम करीब 16 स्टेट्स में और 46 सिटी एसोसिएशन हैं, हमारी 35 शहरों में हैं। सिलीगुड़ी हमारे लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि द रियल एस्टेट इन सिलीगुड़ी हैज़ टू डेवलप, एंड अगर वो डेवलप होना चाहिए तो उसके लिए रियल्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका प्रोफेशनलाइजेशन करवाना हमारा बहुत बहुत एम इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और कल हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि सिलीगुड़ी में कौन सा इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट लेके आने से सिलीगुड़ी शेयर बढ़ेगी, और प्रोफेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना है। तो ये है हमारे तो कल पूरा दिन हम वही करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारत की तरक्की तब होगी जब टीयर टू और टीयर थ्री शहरों की तरक्की होगी। तो सिलीगुड़ी जैसी शहर अगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, तो हम कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे, रेरा के ऊपर चर्चा करेंगे और रिटेल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भविष्य क्या है, तो दिस विल बी द डिस्कशन दैट वी हैव। सर, इस बार का रियल्टर्स मीट कैसे अलग रहने वाला है पिछले रियल्टर्स मीट की तरह, क्योंकि हर साल होने वाला एक आयोजन है, लेकिन इस बार क्या अलग लगे? तो इस बार ये अलग रहेगा कि एनएआर इंडिया की एक ट्रेनर आए हैं जो एक स्पेशल सेशन पूरे सिलीगुड़ी रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए लेंगे। तो वहाँ से क्या होगी, जो भी नॉर्मल रियल एस्टेट प्रैक्टिस करते हैं उनको प्रोफेशनलाइजेशन में लेके आने के लिए हम वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग चेंज इन पीपल हु डोंट हैव द फैसिलिटी टू रीच। तो हमारी ये मानना है कि जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट प्रैक्टिस कर रहा है छोटी से छोटी जगह पे, उसकी लाइफ को अप करने से ही बढ़ेगा। तो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। और जो सर ने कहा उसके ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बार, कि इस बार का प्रोग्राम इस तरह से डिफरेंट है कि देखिए, रियल एस्टेट हम लोग 5-6 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हो गई है एरिया सिलीगुड़ी की, ये साल इस तरह से भी डिफरेंट है कि कल के प्रोग्राम में हमने उन सभी ब्रोकर्स को बुलाया है प्रोग्राम में जो एरिया के पार्ट नहीं है, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखी गई है वो उन लोगों के लिए रखी गई है। सबको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अपने आप को हम लोग कैसे अपग्रेड करेंगे। जो हमारा प्रोग्राम का टैगलाइन है वही है अपग्रेड द रियल्टर। तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ एरिया सिलीगुड़ी बट ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एज अ रियल्टर इन सिलीगुड़ी। तो ये एक डिफरेंस है। आप लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट आकर भी, और इस बार रजिस्ट्रेशन भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, बिकॉज एनएआर इंडिया का एक मोटो है कि अपने को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियल्टर्स को हम लोग इसमें जोड़ पाए और मेंबर्स को रियल्टर्स को इसमें प्रोफेशनल्स बना पाए। तो ये एक एनएआर का एक मोटो है और अपने को इसको मिशन के हिसाब से एक अपने ले रखे कि अपने मेंबर्स जो भी एनएआर के साथ नहीं जुड़े हैं वो और जुड़े अपने एरियाज के साथ में जुड़कर। आज आपको पता ही है किस तरह से सिलीगुड़ी में एरिया सिलीगुड़ी काम कर रहा है, किस तरीके से बिल्डर्स और एक ब्रोकर्स मिलकर एक फ्रेटर्निटी को साथ मिलकर चला रहे हैं। तो क्रेडाई का भी आज हमारे साथ में सपोर्ट है, क्रेडाई नॉर्थ बंगाल की पूरी टीम कल हमारे बीच में रहेगी, जो बिल्डर्स फ्रेटर्निटी है वो भी हमारे साथ में रहेगी, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी डायरेक्टर मिस्टर लॉरेंस सेट्टी हमारे बीच में है,
और भी आपको काफ़ी चीज़ नॉलेज के सेशन जो है कल हमारे एनआर इंडिया प्रेसिडेंट भी वहाँ पर लेंगे, और चेन्नई से भी हमारे बीच में लोग आए हैं, बॉम्बे से लोग आए हैं, काफ़ी सिटी से लोग सिलीगुड़ी कल आ रहे हैं। और एक और हर एक व्यक्ति उनकी प्रोफेशन कितना प्यार करता है और प्राइड से करता है। हमारे यहाँ पे 2016 रेरा आने के बाद ही रियल एस्टेट प्रोफेशन को एक एक आइडेंटिटी मिला। तो मैं भी एक बहुत छोटा सा शहर था, कोयम्बतूर जैसे एक छोटा सा शहर था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रियल एस्टेट करते हैं लेकिन एक आइडेंटिटी के लिए वेट कर रहे हैं। रेरा जैसे एक इंस्टीट्यूशन आने के बाद आइडेंटिटी मिलता है। तो सिलीगुड़ी के शहर में बहुत सारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको हम ये विनती करते हैं कि वो रेरा ले, एरिया सिलीगुड़ी से ज्वाइन करें, अपनी जॉब को प्रोफेशनलाइज करें। तो इफ दे कैन डू इट देन दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द शेपिंग ऑफ द सिटी, क्योंकि हर एक इकोनॉमी के लिए रियल एस्टेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ एरिया सिलीगुड़ी, देन ओनली ही कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनली।